हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आज इवनिंग में मतलब एक ब्लॉग बना के छोड़ चुकी हूँ और ये अभी और एक चीज़ के लिए शूट करनी हूँ, मतलब और एक चीज़ के लिए शूट कर रही हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने अपना मॉर्निंग शेड्यूल दिखाया था, इवनिंग अभी हो चुका है, तो जो जो मैं काम करूँगी वो तो दिखाऊँगी, उसके साथ मैं क्या क्या मंगवाई हूँ उसके साथ क्या क्या कर रही हूँ वो भी दिखाऊँगी। और ये सब मैं मंगवाई हूँ बुलबुल शॉप से, जो कि मैं हमेशा मंगवाती हूँ और बहुत सारा सामान दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैं जो मंगवाई हूँ वो फर्स्ट मैं आपको दिखाने से पहले बता देती हूँ एक बार कि बुलबुल शॉप बहुत ही फ्रेंडली है। बुलबुल शॉप में कुछ क्राइटेरिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, जैसे बुलबुल शॉप का रिटर्न पॉलिसी, अगर कुछ सामान आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हो विद इन 5 days। एक्सचेंज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी 5 days में आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद उस आपको डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल नहीं लगेंगे और कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब सामान आएगा तब आप पैसा दीजिए, ये वाला इसमें अवेलेबल है। बस बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, कुछ कुछ सामान दिखाना आपको बुलबुल शॉप का। तो फर्स्ट जो मैं मंगाई हूँ, देखिए ये वाला वाटर हीटर, इसका प्लेट रहता है, इसको यहाँ पे लगा के प्लग देके यहाँ पे एक स्विच दे देने से ये स्टार्ट होता है, इसमें पानी गर्म करते हैं। देखिए हम लोग बहुत पानी गर्म करते हैं जिसके वजह से गैस और मतलब वेस्टेज होता है, इसी के लिए मैं मतलब हमारे घर में ये हमेशा रहता है। तो एक वाला ख़राब हो चुका है तो ये वाला फिर मंगवाए हैं, तो ये वाला शायद थर्ड है हमारा, तो बहुत अच्छा रहता है ये पानी गर्म करने के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं चल के दिखाती हूँ इसको कैसे मैंने यूज़ किया। तो चलिए अभी पानी गर्म करते हैं, फिर आके मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए वो प्लग लगा के स्विच ऑन कर दीजिए और उसके अंदर पानी डाल देंगे, पानी डाल के कवर कर देंगे उसका जो ढक्कन है, और यहाँ पे साइड में एक स्विच है उसको ऑन कर देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा ना वो अपने आप ही बंद हो जाता है। देखिए मैं स्विच ऑन कर दी यहाँ पे, तो ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो स्विच अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इसका प्राइस है फ्रेंड 499। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कैसे पानी गर्म किया वो मशीन में, और ये देखिए मिस्टर पुरोहित आके ऑफिस से बैठे हैं, तो उनको पीना है क्या, कॉफ़ी पीना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो सामान मंगाई हूँ उसमें मैंने कैसे कॉफ़ी बनाया, ठीक है? तो चलते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। यार फ्रेंड्स, मैं जो मंगाई हूँ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक सस्पेन है, बहुत अच्छा है, मैंने इसको धो दिया है। इसमें मैं अभी पहले तो दूध गर्म करूँगी, चलिए अभी मिल्क गर्म करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इसमें कैसे मैंने गर्म किया, मैंने किस में गर्म किया, मैंने इसको इंडक्शन में गर्म किया, चलिए दिखाती हूँ आप। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मिस्टर पुरोहित के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, तो चलते हैं। मैं कॉफ़ी बनाने के लिए जो दो चीज़ मंगाई हूँ, फर्स्ट जो सस्पेन उसमें दिखाऊंगी आपको पहले, और दूसरा वाला जो मंगाई हूँ उसमें दिखाऊंगी कॉफ़ी। तो ये दोनों चीज़ मस्त है, मैं दिखाती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी मेकिंग। तो देखिए मैंने इसको इंडक्शन में बिठा दिया, ये गैस में भी आप यूज़ कर सकते हो, और उसमें दूध डाल के इंडक्शन को ऑन कर दी ताकि ये दूध थोड़ा सा उबल जाए। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है 769 रुपीज़, आप मेरे लिंक में जाके चेक कर लीजिए, इसका डिटेल्स वहाँ पे भी होगा। और उसमें थोड़ा सा देखिए चीनी डाल दी अभी मैं दूध में, और उसको उबलने के लिए मैं छोड़ दी। बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है ये। फ्रेंड्स, आपने देखा उसमें कैसे मतलब दूध में उबाल आ गया, मैंने चीनी वीनी डाल दिया है, दूध तो उबल गया है, अभी चलिए कॉफ़ी बनाएंगे। मैं उसमें कॉफ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं कॉफ़ी बनाऊंगी ये वाले मग में। देखिए ये एक मग है, तो इसमें मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। इसमें कवर दिया है, खोलेंगे और यहाँ पे एक स्विच है, जो हमें मिक्स करना रहता है इसे ऑटोमेटिकली मिक्स होता है, क्योंकि इसके नीचे लगा है तो बैटरी, ये बैटरी से चलता है। तो ये मग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलिए इसमें फिर मैं कॉफ़ी बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला है वो कप, देखिए मग, और ऊपर का ये कवर है, उसके अंदर देखिए साइड में स्विच है, और ये कैसे घूमता है वो अंदर, पीछे तरफ इसका बैटरी लगा हुआ है, देखिए ये वाला कैसे घूम रहा है। तो ये जब दूध में उबली थी, उबल गया ना, तो वो मग में देखिए दूध डाल दी, उसमें से चीनी तो पहले डाली हुई थी, उसमें बस कॉफ़ी पाउडर डाले, और वो स्विच को ऑन जब कि इतना सुंदर फ्लपी हुआ कॉफ़ी, मत पूछिए। देखिए मैं यहाँ पे बस कॉफ़ी बना रही हूँ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना,
पूरा मस्त फ्लफी फ्लफी हुआ था। और मैं जा रही हूँ अंदर, चलिए और अभी डोर को ओपन करते हैं और अंदर कौन बैठा है मैं दिखाती हूँ। देखिए मिस्टर पुरोहित मूवी देख रहे थे, तो मैंने उनको कॉफ़ी दिया और बोला कि आप पहले टेस्ट कर लो और देखो कैसा लग रहा है। और वही स्विच को ऑन करने के लिए उनको बोली, क्योंकि वो नहीं देखे थे ना, उनको भी दिखाई। और ये मिस्टर पुरोहित टेस्ट कर रहे हैं कैसा लगा, पूछते हैं। चलिए जल्दी जल्दी पीजिए और बोलिए कैसे हुआ है कॉफ़ी न्यू मग में। हुआ है फ्लफी फ्लफी भी हुआ है देखिए, और टेस्टी भी ना, मस्त का मग है। दिखाओ मग, दिखाओ मग को ऐसे करके दिखा, ये नहीं दिख रहा है। हाँ मस्त है, पीते पीते भी कर सकते हैं, कीजिए तो। और एक बार, अरे वाह बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। तो अभी मैं वही कॉफ़ी बना के मिस्टर पुरोहित को दी और आके फिर बैठी हूँ। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने मंगवाया है कुछ ऑरेंज, तो वो ऑरेंज लाने के लिए गया है छोटू। और वो जब ऑरेंज लाएगा तो मुझे बनाना है जूस, ऑरेंज जूस, क्योंकि मेरे जो छोटा बेटा है उसको ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। तो छोटा बेटा मतलब मेरे देवरानी का बेटा, उसको ऑरेंज जूस बहुत बहुत पसंद है और बाबू को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस बनाऊँगी। तो ऑरेंज जूस बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला, देखिए ये ऑरेंज जूस बनाने के लिए है। देखिए यहाँ पे ऐसे खुलता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसको कैसे यूज करूंगी और इसमें क्या स्पेशल ऑफर है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं इसको यूज करके देखते हैं इसमें क्या क्या ऑफर है वो भी देखेंगे। देखिए इसका मटेरियल बहुत स्ट्रांग है, बहुत है और सुंदर दिख रहा है, अजब टाइप का दिख रहा है ना, फिश जैसा लग रहा है पर बहुत अच्छा है। चलिए इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए छोटू को मैं ऑरेंज बोली, वो ये तो ऑरेंज नहीं है, ये मौसमी टाइप का है। उसको मैं कट की और उसका छिलका छिले, वरना नहीं छिला जा रहा था, क्योंकि ये वाला जूस बनाना है ना तो छिलका छिलना ही पड़ेगा यहाँ से। और ये देखिए जूस, वो जो वो जगह नीचे वहाँ पे जूस रहेगा उसके ऊपर ये छलने टाइप का है, ऊपर हम जितना भी इसका मतलब छिलका है वो रह जाता है। उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिए छिलका को निकाल के, और उसको वहाँ से बस दबा देना है। मैं थोड़ा ज़्यादा दे दी, जूस निकल जा रहा है साइड से, थोड़ा सा गिर गया नीचे, पर बहुत अच्छे से जूस निकला। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं की उसके बाद, ताकि वो जूस ना निकले, नीचे ना गिरे। तो इसका जो प्राइस है वो है, एक्चुअल प्राइस है 599, लेकिन ये आज आपके लिए डील ऑफ द डे है, इसलिए प्राइस होगा 499। अगर आप इसे 24 आवर्स के अंदर मंगवाते हैं, जब ये वीडियो लाइव जाएगा उसके बाद, तो आपको ये डिस्काउंट में मिलेगा 499 रुपीज़ में। और फ्रेंड्स ये इसको किसने पिया, देखिए रीत ने पिया, क्योंकि उसे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। देखिए वो पी रहा है और एंजॉय कर रहा है। जूस तो बन चुका है, आपने देखा वो भी कितने अच्छे से पी रहा था। बाबू के लिए मैंने रख दिया, उसको दे दिया। दोनों ऑरेंज ऑरेंज या मौसम भी था शायद वो जो लाया था, तो उसमें थोड़ा सा कम जूस निकला, तो दो ठो में उतना निकला और दो ठो फिर हमने किया और बाबू के लिए रखती हूँ। और अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ ये मेरी किचन के लिए है चॉपर, ठीक है, प्लास्टिक का है, छोटू सा है, इसके अंदर ये रहता है नाइफ और ये एक दिया है, ये बस ऐसे ही फेंटने टाइप का। अगर दही वही हम इसमें फेंटेंगे ना तो इसमें दही हम फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी आपको क्या फेंट के नहीं दिखाऊंगी, मैं कट चॉप करके दिखाती हूँ। चॉप तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे ना अभी टमाटर का चटनी थोड़ा बनाना था जो खट्टा टाइप का, तो इसीलिए मैं इसमें टमाटो आपको करके दिखाती हूँ आप कैसे यूज कर सकते हो इसे। आप इसमें टमाटो ऑनियन और बाकी सब चीजें भी कर सकते हो चॉप, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये हमारा खराब हो गया, ऐसे खराब हो जाता है ना यूज कर करके, तो ये भी एक एक्स्ट्रा मंगवाया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये देखिए ये है चॉपर, तो अभी इसमें चॉपिंग करेंगे। देखिए चॉपर को अंदर डाल के हम टमाटर या कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे आपको अगर प्याज करना है तो प्याज, गार्लिक करना है तो गार्लिक, आप कुछ भी ऐसे कट करके देना, बड़े बड़े पीस में नहीं देना। और उसको क्या करना मैं आगे बताऊँगी, उससे पहले इसका जो प्राइस है मैं बता देती हूँ। इसका प्राइस है 222 रुपीज़। और देखिए अभी मैं एक जो रस्सी लगाना उसको खींच रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से वहाँ पे चॉप हो जाए, है ना। तो ऐसे करने से क्या टमाटर को छोटा छोटा काटना नहीं पड़ता कुछ ना, बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें आप चटनी टाइप का भी बना सकते हो, जैसे टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च डाल के। लोगों ने सारा का सारा सामान देख लिया, मैं तो गर्मी से परेशान हो पूरा, इतना पसीना।
तो ये वाला है बुलबुल शॉप का सब सारा का सारा सामान। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, आप मेरे लिंक के थ्रू जाके बुलबुल शॉप में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वहाँ पे एक व्हाट्सअप लिंक होगा, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो व्हाट्सअप में चैट करके। आपको अगर कुछ परेशानी हो रहा है या किसी के बारे में पूछना है कोई सामान के बारे में, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बुलबुल शॉप का जो स्पेशल ऑफर है वो है डील ऑफ द डे, जो कि मैं दिखा चुकी हूँ आपको। वो जूसर है डील ऑफ द डे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लिंक में जाके मेरा लिंक 10 यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सुपर्ब है। बुलबुल शॉप का 5-स्टार पॉलिसी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि इसमें COD अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, आपको पहले पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। और फ्री डिलीवरी है, आपका घर में सामान आएगा, आप पैसा देना। और 5-डे रिटर्न पॉलिसी, इसमें 5 दिन के अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इतना सारा प्रॉफिट बेनिफिट है। आप लोग को अगर अच्छा लगा आज का कुछ भी, तो आप आराम से मंगवा सकते हो। तो ये है मेरा बुलबुल शॉप जो मैंने मंगवाया था, सब यूजफुल ही है, जो किचन में हम यूज़ कर सकते हैं उसी टाइप का ही सामान मैं मंगवाई थी। तो ये स्पेशली किचन का ब्लॉग है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। सारा काम खत्म हो चुका है, मैं आके रूम में बैठी हूँ, अभी खाना वाना भी बन गया है और मैं लाई हूँ खाना खाने के लिए रोटी और पत्ता गोभी का सब्जी। यहाँ पे बैठे हैं, बाबू भी बैठे हैं और वो लोग देख रहे थे एक मूवी। तो अभी क्या एक मूवी देख रहे थे, इंग्लिश मूवी देख रहे थे। तो बस मैं खाना खाऊंगी, अभी बज चुका है 8:30 और मिस्टर पुरोहित खाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा बोले वो। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना, मॉर्निंग का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। वो मॉर्निंग का शेड्यूल था और ये अभी का इवनिंग का शेड्यूल है। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक बाय।